हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और बहुत आप लोगों के कहने पे ये कर रही हूँ मैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो एम है इसका टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लेजर यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इसके अलावा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं एक ग्लास प्लेट का, लेकिन अभी हम जो है सिर्फ वेवलेंथ कैलकुलेट करना बता रहे हैं। वैसे आपको फॉर्मूला पता है कि अगर पार डिफरेंस, अगर हम कोई ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करें तो कितना पार डिफरेंस ऐड होगा, ये ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ एमसीक्यूज के में। तो वहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस ग्लास प्लेट का। लेजर लाइट सोर्स एपरेटस है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, किट है, ऑप्टिकल बेंच है और मीटर स्केल है। थ्योरी है, इंटरफेरोमीटर आर यूज्ड टू प्रिसाइजली मेजर द वेवलेंथ ऑफ ऑप्टिकल बीम थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस व्हिच प्रोवाइड सिंपल इंटरफेरोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग बेसिक प्रिंसिपल। तो ये हम अमृता लैब में करेंगे और अमृता लैब में आपको ये सारी थ्योरी मिल जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा इस थ्योरी में नहीं जाऊंगी, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं, और जब वो सेम एम्पलीट्यूड और सेम वेवलेंथ की सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड कंबाइंड हो जाता है और हमें या तो ज्यादा रिजल्ट एम्पलीट्यूड की वेव्स मिलती हैं या कम एम्पलीट्यूड की वेव्स मिलती हैं। तो ये जो सुपर पोजिशन हो रहा है टू वेव्स का, इनको हम इंटरफ्रेंस कहते हैं। तो जब हमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होके मिलता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं, जब कम होके मिलता है उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो या कह लीजिए इंटेंसिटी जीरो हो रही है। तो टू कोरेंट सोर्स है, इनिशियल फेज रिलेशनशिप कांस्टेंट है, वेव स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ट्रैवल डिफरेंट पाथ बिफोर कमिंग बैक टुगेदर, इंटरफेयर विद ईच अदर, सपोज रिकम्बाइन वेव्स इल्यूमिनेटेड ऑन स्क्रीन, पोजीशन ऑफ स्क्रीन डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय टू वेव्स, रिजल्टेंट अल्टरनेटिंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर कॉल्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है कि अगर ये जो वेव्स हैं ये सुपर इम्पोज कर रही हैं तो अगर इनका जो फेज है वो कॉन्स्टेंट है और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, बाई टू है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे लैम्डा की टर्म्स में और उसकी टर्म्स में भी दे रखा है। फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर ऑलरेडी जो है हम जब रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो वहां पे हमने इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखी है। अल्बर्ट माइकलसन ने 1983 में इसको यूज भी किया था। बाद में इथर हाइपोथेसिस के लिए इन्होंने इसको इन्वेंट किया था टू मेजर द स्टैंडर्ड मीटर यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट ऑफ कैंडियम स्पेक्ट्रम विद एन ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर। वन कैन मेजर द डिस्टेंस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड बाय काउंटिंग द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। हम भी यही करेंगे, काउंट करेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मूव फ्रॉम वन टू अदर, टू मिरर्स आर मूव्ड इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। टू कोरे दो बीम्स यूज करते हैं और स्प्लिट होती है, बीम स्प्लिटर लगाते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, अगर आपको याद हो माइकलसन एक्सपेरिमेंट। और वो टू बीम्स जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक रिफ्लेक्टेड बीम और एक ट्रांसमिटेड बीम, फिर वापस से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है मिरर पर और उनके बीच के इंटरफेरेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी हम ये यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे ये डायग्राम भी है, 45 के एंगल पे हमने इसको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड फिर बराबर हो जाता है, जो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं इन दोनों के बीच में जो ये एम्पलीट्यूड होगा वो इक्वल हो जाएगा और यहाँ हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। तो इस तरीके का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। तो ये कंडीशंस हैं पाथ डिफरेंस की, 2d cos थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये सारी थ्योरी है, ये ऑलरेडी क्योंकि वर्चुअल लैब में है तो हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेनली मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना सिखा रही हूँ और रीडिंग देना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये थ्योरीज को हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो पाथ डिफरेंस 2d cos थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, तो मैक्सिमा की कंडीशन लगा लेंगे, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय टू तो एम लैम्डा। यहाँ पे से हम से एक लैम्डा का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं मैक्सिमा के लिए, लैम्डा इक्वल टू 2d/n। तो हम इसमें क्या करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं, n कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं उसका। तो ये एप्लीकेशंस हैं।
Michelson model experiment is the best known application of Michelson interferometer. They are used to detection of gravitational wave. Michelson interferometer are widely used in astronomical interferometry. और ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वर्चुअल लैब का. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे वेरिएबल्स दिखते हैं. आप चार तरीके के लेजर सोर्स यूज कर सकते हैं. तो क्रिप्टॉन है, हीलियम नियॉन लेजर है, आर्गन है और रूबी लेजर है. तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप हीलियम नियॉन या रूबी लेजर लें, क्योंकि आप थ्योरी में भी ये पढ़ते हैं. उसके अलावा क्रिप्टन और आर्गन लेजर भी चूज कर सकते हैं. इनको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे पावर ऑन करते हैं. फिर यहाँ पे की है, इसको मूव करते हैं, और जब ये वाली अनेबल हो जाती है वहां पे उसको रोक के फिर हम ये वाला मूव करते हैं. ठीक है, तो अभी एक्सपेरिमेंट में देखेंगे. देखिए, मैंने हीलियम नियॉन लेजर लिया, पावर ऑन किया, इसको मूव करा एडजस्ट मिरर को. यहाँ पे रखने के बाद फिर ये अनेबल हो गया, रेड सा दिखाई दिया. अब हम इस माइक्रोमीटर को मूव कर सकते हैं. ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जो आपको वहां पे फिल करनी है. PSR है यहाँ पे. देखिए इस फिगर में आप ध्यान से देखिए, तो PSR यहाँ पे आपको ये जीरो दिखाई दे रहा है. यहाँ पे जो रीडिंग आपको दिखेगी उसको आप यहाँ पे PSR में भरेंगे. HSR में यहाँ पे जो लाइन के सामने वैल्यू आपको दिखेगी उसको आप यहाँ पे HSR में भरेंगे. डिस्टेंस ये उसको वैल्यू भरने के बाद खुद कैलकुलेट कर लेगा. ये डिफरेंस आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो ये डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे. इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेते चलेंगे, उसका मीन लेंगे, वो मीन की वैल्यू यहाँ रखेंगे. एन आपको डिसाइड करना है कि एन आप कितने नंबर्स लेना चाह रहे हैं और कैसे सिलेक्ट करेंगे. अभी मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगी बताऊंगी. तो मैंने एक ऐसे ही रैंडम रीडिंग आपको दिखा रही हूँ कि जब मैंने ये जीरो ले रखा था, ये HSR 1, 15, 33 था, तो ये मेरा इतना आ रहा था. इनका अगर मीन ले रही हूँ तो 16 है, तो n यहाँ पे 3000, n 10 लेने के बाद मेरी वेवलेंथ 3200 एंगस्ट्रॉम आ रही है. तो ये मैंने रैंडम जो है वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाया है लैम्डा, बट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये मीटर यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर रहे हैं. चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लैब में चलते हैं. अब हम क्या किया है, हम लोग आ गए हैं यहाँ से वर्चुअल लैब में, अमृता वर्चुअल लैब में. यहाँ पे हम फिजिकल एजुकेशन में जाएंगे. फिजिकल एजुकेशन से आप लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब में आएंगे. यहाँ पे माइकलसन इंटरफेरोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्लेट इस पे कर लेंगे. फिलहाल हम वेवलेंथ के लिए कर रहे हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है. रुकिए, हम लोग फिर उसी पे चले जाते हैं जहाँ पे वेवलेंथ के लिए है ये वाला एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही एक्सपेरिमेंट है, करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही है. तो अगर ये कर लेंगे तो वो भी आप कर ही लेंगे अगर आपको समझ में आ गया. स्टिमुलेटर पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे. ठीक है, यहां से आप इसमें आ गए. तो आप चूज करिए आपको कौन सा लेजर यूज करना है. सपोज मैंने हीलियम नियॉन लेजर यूज किया, पावर ऑन हो गई, पावर ऑन. अब एडजस्ट मिरर करिए और इस पे ध्यान दीजिए, इसको आपको फोकस करना है. ये जब फोकस करेंगे तो साथ में आप यहाँ पे भी नीचे भी ध्यान दीजिए, जैसे ही अनेबल होगा अब आप इसको रोक सकते हैं और इसको मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं. जब आप इसको मूव करना स्टार्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिए कि ये वाला जो पैटर्न है ये कंटिन्यूअसली चेंज करता है. ऐसा लग रहा है यहाँ से ये अंदर जा रहा है. देखिए, एक एक करके दिखा रही हूँ, यहाँ बाहर आता हुआ दिख रहा है. अब मैं इसको पूरा एंड पे ले जाती हूँ और इधर लेफ्ट की से इसको एरो की से मूव करती हूँ तो ऐसा लग रहा है अंदर आ रहा है. तो आपको इसमें क्या करना है, चाहे तो आप मैक्सिमम ले जाके फिर मिनिमा की तरफ मूव करिए, या मिनिमा से मैक्सिमा की तरफ मूव करिए, या कहीं बीच से स्टार्ट कर लीजिए. जैसे मैं सपोज पाइप से यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ. तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो रीडिंग देख लेते हैं कैसे देखेंगे. यहाँ पे 5 को क्रॉस कर चुका है, तो जो आपका PSR जो पहला वाला कॉलम था उसमें आप ये वाला रीडिंग भरेंगे 5. फिर यहाँ पे जो जीरो के सामने आपको रीडिंग दिखाई देगा आप उसको भरेंगे सेकंड बॉक्स में. कितने डिवीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये 21 दिखाई दे रहा है, तो 21 आप वहां भर सकते हैं. बट अभी
नहीं एंटर करना है, आप पहले यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। तो यहाँ पे जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये आपको पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पैटर्न खुद डिसाइड करना है कि आप कौन सा पैटर्न लेना चाह रहे हैं। जैसे मैं इस डॉट को मानती हूँ कि ये डॉट अगर ऐसा दिखेगा, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई डार्कनेस नहीं है, पूरा एक सर्कल दिखाई दे रहा है, छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है बिंदी जैसा, तो मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ। आप कोई सा भी पैटर्न, अपना पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये ऑब्जर्व करना है। तो लेकिन वो पैटर्न को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि बहुत स्मॉल वेरिएशंस होते हैं जो पैटर्न होते हैं। अभी आप देखोगे में, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू की तरफ मूव कर रही हूँ, तो इसलिए मैं राइट एरो की को यूज कर रही हूँ। मैंने इसको फर्स्ट रीडिंग रीड किया, फर्स्ट रीडिंग मेरा यहाँ पे क्या, ये 5 है, ये 5.5 है, 5.5 पे आपका ये जो रीडिंग है ये 34 है, 35 नहीं हो पाया है, तो 34 है 5.5 पे। तो आप क्या करिए, इसको एक पॉइंट पे कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी आपके साथ फिलहाल क्या कर रही हूँ, इसको नोट कर ले रही हूँ कि 5.5 पे 34 रीडिंग है, ठीक है। अब यहां से मुझे डिसाइड करना है कि नंबर्स n कितना डिसाइड करना है, कितने फ्रिंजेस देखने हैं। तो मैं अब इसको यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूंगी, तो देखिए अब मुझे पूरा वैसे ही डॉट दिखाई देगा। इसको ध्यान से देखते रहिएगा, तो उसको मैं 1 काउंट करूंगी, 1, 2। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमें सेम सा लगता है बट कुछ वेरिएशन होता है, तो वो चीज से हमारी गलती हो सकती है और हमारा जो वेवलेंथ है वो गलत आ सकता है। थ्री, फोर, फाइव। तो अगर मैं यहाँ पे 5 पे देखूं तो ये 34 से 40 पे आया है, ठीक है। तो 5 हो गया है, आगे मूव करते हैं। सिक्स, सेवन, कई बार ये कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये वो नहीं है, है ना, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो टेन पे यहाँ पर ये 6 आ चुका है और 0 पे आ चुका है, तो 10 रीडिंग हमने ली है, एन लिया है, 6 पे आके ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको फिर से आगे मूव करते हैं। फिर से हमें 10 ऐसे ही डॉट्स पैटर्न लेने हैं, तो मैं फिलहाल 3 रीडिंग्स ले लेती हूँ, 2 रीडिंग ले चुके, 1 रीडिंग वाले लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करके दिखा दूंगी। तो आप एटलीस्ट 5 to 6 रीडिंग लीजिएगा, तभी आपका आंसर एग्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो फिर इस डॉट को ध्यान से देखिए, तो ये तो रीडिंग हम ले चुके, अब फिर से हमें 10 काउंट्स करने हैं, क्योंकि एन हम 10 ले रहे हैं। देखिए लग रहा है ये वैसा, बट ये है नहीं, ये भी वो नहीं है, बीच में यहाँ हल्का डॉट सा दिख रहा है, ये है 1, टू, थ्री, तो कई डॉट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, 4,
5 6 7 8 9 कुछ डॉट्स बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं हमें. 9 के बाद ये 10, ठीक है. तो ये 10th है और यहाँ पे ये 6 ही है, और 6 पे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 19 के अराउंड आ रहा है, 19 या 18, ठीक है. तो 6 पे ही मैं फिलहाल 19 लिख लेती हूँ, 19 है. तो हमने 3 रीडिंग्स ले लिए हैं, तो इन 3 रीडिंग से फिलहाल कैलकुलेशन आपको करके दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर आइए, यहाँ पे हमने पहली रीडिंग ली थी, किस पे ली थी, 5.5 पे. एचआर डिवीजन जो हमने लिया था, देखा था 34 था. फिर सेकंड वैल्यू थी हमारी 6 पर थी, 6 था और 6 पे यहाँ 0 था. और थर्ड वैल्यू हमारी फिर 6 पे थी, यहाँ पे ये 19 हमने देखा, ठीक है. एन हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, फिलहाल हमने एन जो है 10 लिया है. आपकी मर्जी है एन कितना ले रहे हैं, और आपकी ही मर्जी है कि कितने डिविजन्स ले रहे हैं. और जितना ज्यादा डिविजन्स लेंगे, जितने ज्यादा एन लेंगे, उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन टेबल ये पूरा अगर आगे लेंगे तो आपका और एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा. चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं. डी माइनस है तो आपको क्या करना है, 6 में से 5.84 माइनस करना है, ठीक है. 6 माइनस 5.84 तो ये यहाँ पर ये है 0.16. फिर 6 में से ये माइनस करेंगे 6.19 में से, तो ये तो सीधा सीधा 0.119 है. तो इनका अगर हम मीन लेंगे, ठीक है, तो 35 है. 35 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि अभी 2 रीडिंग्स हैं हमारी, 0.35 है. तो ये 17.5 आ रहा है. तो 17.5 तो रखा वेवलेंथ, सॉरी 17 पॉइंट नहीं सॉरी 0.175 आ रहा है आपका मीन. तो वेवलेंथ आ गई है 3500, ठीक है. तो इसमें क्या करना है, मेन जो है आपने जो डॉट्स देखे हैं, बीच में अगर एक डॉट भी गलत हो गया तो ये रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है और आंसर में चेंज आ जाता है. चलिए फिर से देख लीजिए एक बार, अब आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं. अभी तो हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ तीन ही रीडिंग लिए है ना, इसके लिए एटलीस्ट 5 to 6 रीडिंग्स आपको लेनी होंगी, और जो है एन ज्यादा रखना होगा. मैंने अभी 10 ही लिया है, आप 20 के अराउंड एन रखिए. और ये जो चीज है ये बहुत ध्यान से देखनी है, जो आपने पैटर्न डिसाइड किया है वही पैटर्न रखना है. अगर यहाँ पे आपकी भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है. मैं एग्जैक्ट भी दिखा सकती हूँ फिर, लेकिन आप वही रीडिंग नोट कर लेंगे अपनी फाइल में, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो आंसर है 5400. तो एग्जैक्ट जो वेव लेंथ है ये है हमारी 3000 ये आ रही है, तो परसेंटेज एरर काफी आ रही है. तो आप इसको रिमूव करने के लिए मैं आपको बताई चुकी हूँ आपको क्या करना है. जो हम एन ले रहे हैं इनको शिफ्ट करने में, अभी फिलहाल मैंने क्या किया, सिर्फ 10 फ्रिंजेस देखे, आप उसको 20 रखिए, और जो पैटर्न है उसको बहुत ध्यान से देखिए. अगर एक पैटर्न भी ऑब्जर्व करने में गलती करेंगे तो यहाँ पे 2 to 3 डिविजन्स का डिफरेंस पड़ जाता है, तो फिर वो हमारे कैलकुलेशन में गलत आंसर देता है, ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताई दिया कि किस तरीके से आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से. तो हैव अ गुड डे.